स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख आदरणीय बालासाहेब ठाकरे कला दालन का निर्माण बहुत जोरों से मीरा भाईंदर के इस गोल्डन एज परिसर में हो रहा है, और आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 सालों से मैं ये जल्दी से जल्दी वास्तु होनी चाहिए इसलिए शासन के पीछे था, साथ ही में हमारे महापालिका प्रशासन के पीछे लग रहा था। और वास्तु तो ये अभी करीबन बहुत बड़े पैमाने पर 70% काम इसका हो गया, मगर चौथी बार अभी साइट विजिट जब भी कर रहा तो टाइम के ऊपर टाइम प्रशासन के माध्यम से मिल रहा था, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से थी, कुछ कमियां डिज़ाइन के माध्यम से थी, कुछ कमियां कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पे हो रही थे। तो उसके ऊपर हमारे कमिश्नर साहब है संजय काटकर जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रयास किया और जल्दी से जल्दी वास्तु कैसी पूरी होगी इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ने टाइम दिया कि 31 अगस्त तक ये वास्तु मैं पूरी करूंगा और लोकार्पण उसका हो जाना चाहिए। तो मैंने एक ही कहा है, या तो मैं मुख्यमंत्री जी से 5 तारीख का टाइम लेता हूं ताकि उनके हाथों से इसका उद्घाटन किया जाए, लोकार्पण किया जाए, या तो मैं 5 तारीख को आपके दालन में उपोषण के लिए बैठ जाऊँ। दो में से एक तो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी वायदों के ऊपर वायदे होते हैं। तो ये चौथा वायदा जो है उनके माध्यम से नहीं हुआ, क्योंकि संजय काटकर आने के बाद ये दूसरी बार हम लोग ने साइट विजिट की है, मगर उसके पहले भी कमिश्नर ने हमें वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हो पाए कुछ तकलीफ की वजह से, मगर निधि की कोई कमी नहीं। जिस वक्त खांबी साहब सिटी इंजीनियर के तौर पे इस बारे में बोलते हैं कि निधि की कमी है, तो मैं तुरंत राज्य शासन से जाके मुख्यमंत्री जी को मांग करता हूँ और निधि पूरी की जाती है, क्योंकि 100 करोड़ के आसपास ये वास्तु बनने जा रही है, तो उसके लिए निधि की कमी कोई नहीं है, सिर्फ काम जल्दी होना चाहिए और उसके पीछे हम लोग लगे हैं। और अभी 31 अगस्त का डेडलाइन आयुक्त साहब ने दिया है, या तो 5 सितंबर मुख्यमंत्री के हाथों से इसका लोकार्पण होगा, या 5 सितंबर को प्रताप सरनाईक महानगर पालिका में आयुक्त के दालन में बैठ जाएंगे। दो में से एक तो चीज़ होती है, तो अंतिम निर्णय निश्चित रूप से आगे के 36 दिनों में हो जाएगा। और काटकर साहब ने अगर बोला है तो मुझे लगता है कि मुझे उपोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 सितंबर तक ये नहीं करेंगे, फिर गणेशोत्सव है, गणेशोत्सव के बाद में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये डेडलाइन आखिरी डेडलाइन है। तो मैं कोशिश जो कर रही है प्रशासन उनकी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी ऐसे मुझे खात्री है। के सम्माननीय विधायक श्री पत्रावजी सरनाईक साहब, इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट किया है उससे मैं सहमत हूँ। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र का श्रद्धा स्थान है और उस श्रद्धा स्थान को जनमानस में के सामने रखने के लिए ये जो प्रयास महापालिका कर रही है उस प्रयास का ये आखिरी पड़ाव है। इस मुकाम तक आने के लिए आमदार सरनाईक साहब हो, सम्मानीय मुख्यमंत्री नामदार एकनाथ रावजी शिंदे सर हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनके माध्यम से ही ये काम हो रहा है। और हमने जो इस काम के 3 कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे पहले इसका बेसमेंट का था, बाद में बिल्डिंग का था, और लास्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट निकाला है वो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ये इंटीरियर का और कुछ जीवन चरित्र के बारे में जो बाला साहब के चीज़ें हैं उसके बारे में है। तो ये हमने जो 31 अगस्त की जो लाइन डेडलाइन सेट की है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है और 31 तारीख तक ये काम खत्म होना चाहिए। मैं सम्मान्य आमदार साहब के माध्यम से गुजारिश करूँगा कि वो मुख्यमंत्री साहब की अगर 5 सितंबर की तारीख ले लेते हैं तो उस दिन इसका लोकार्पण भी हम कर पाएंगे।